बच्चों का एग्जाम हो गया है, देख लीजिए लाइव देखिए, यहाँ पे भी चीटिंग की तैयारी हो रही है और बच्चे बैठ के जो है चीट मनाने के चक्कर में है। लोग एग्जाम हो गया है तो आप लोग सेंटर पर जाओगे या मंदिर में पूजा पाठ करोगे? इतना दिन से नहीं पढ़े तो आज क्या होगा? कुछ नहीं होगा, 5 मिनट से कुछ नहीं होगा। नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। अब मैं आपको लोगों की लापरवाही और बच्चों की लापरवाही दिखाने वाला हूं। बच्चे सोच रहे हैं एक दिन के पढ़ाई में जो है वो पास हो जाएंगे, बिहार बोर्ड में टॉप हो जाएंगे। यहां देखिए, यहां पर बच्चे बैठ के जो है चीट मनाने के चक्कर में है कि वो कितना जल्दी जो है चीट की तैयारी कर ले ताकि वो जो परीक्षा में जाए और लिखे। यहाँ देखिए, यहाँ भी जो है बच्चे, आप लोगों का एग्जाम हो गया है तो सेंटर पे जाओ, सेंटर पे जाओ। यहाँ पे एग्जाम नहीं हुआ है तो सेंटर पे जाओगे, यहाँ बैठोगे जो है यहाँ बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। और आप लोगों को कुछ चीजें जो है मैं दिखाने वाला हूँ। इधर लाइए कैमरा, इधर लाइए बाबू। आप लोगों का एग्जाम हो गया है? हो गया है, चलिए बहुत अच्छी बात है। बिना अनकट अनकट सीन में आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। जल्दी आइए कैमरा मैन भैया। यहाँ देखिए, यहाँ भी चीटिंग की तैयारी हो रही है। लाइव देखिए, यहाँ पे भी चीटिंग की तैयारी हो रही है। 1-2 मिनट में जो है बच्चे पढ़ के क्या बनेंगे, इनका क्या भविष्य होगा, जब पेरेंट्स जो है खुद ये सोच रहे हैं, खुद बैठ के चीटिंग करवा रहे हैं, तो आप समझ जाइए बच्चे जो है कहाँ जाने वाले हैं और उनका भविष्य जो है वो क्या होगा। आइए इधर कुछ और दिखाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी वह सारे बच्चे जो है बैठे हुए हैं। यहाँ देखिए, आप लोगों का एग्जाम हो गया है, आप लोगों का एग्जाम हो गया है, देख लीजिए लाइव देखिए, यहाँ पे भी चीटिंग की तैयारी हो रही है। और लोग बोलेंगे कि बिहार बोर्ड में चीटिंग कराया जाता है, गवर्नमेंट पर सवाल उठेगा। यहाँ आप देख लीजिए, पेरेंट्स बैठ के बच्चों को चीटिंग की तैयारी करवा रहे हैं और बाद में यही लोग सवाल उठाएंगे सरकार पे, देश का सरकार जो है बच्चों के लाइफ से खेल रहा है और यहाँ बच्चे के पेरेंट्स ही चीटिंग कराने की तैयारी कर रहे हैं। अब आप सोच लीजिए बच्चे का भविष्य कहाँ होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी लोग जो है खड़े हुए हैं। आप लोग का एग्जाम हो गया है बाबू? एग्जाम हो गया है आपका? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप देख रहे हैं पेरेंट्स ही बैठ के बच्चों की चीटिंग करवा रहा है, चीटिंग की तैयारी करवा रहा है। अब आप सोच लीजिए देश का भविष्य जो है वो कहाँ जाएगा आज के लाइव में, पूरा ये चलने वाला। इधर भी लाइए कैमरामैन भैया। यहाँ देखिए, यहाँ भी तैयारी हो रही है चीटिंग की, फुल तैयारी, मोबाइल के साथ में जो है चीटिंग की फुल तैयारी चल रही है। ये है देश का भविष्य, देश का भविष्य अंधकार में होता जा रहा है। लुटिया डूबेगा या लुटिया जो है बच्चों का बचेगा, ये तो रिजल्ट में ही पता चलेगा कि रिजल्ट जो है बिहार बोर्ड का क्या आने वाला है और बिहार बोर्ड की तैयारी और बिहार बोर्ड की व्यवस्था। बाबू आप लोगों का एग्जाम हो गया है तो आप लोग सेंटर पर जाओगे या मंदिर में पूजा पाठ करोगे? आप लोग सेंटर पर जाओगे ना। तो ये है देश का भविष्य, परीक्षा के अंतिम दिन, अंतिम पड़ाव और अंतिम समय में बच्चे माँ की प्रार्थना कर रहे हैं, माँ के पास विनती कर रहे हैं, माँ के पास सर पटकेंगे। तो अब आप समझिए क्या वो बच्चे जो है परीक्षा में पास हो पाएंगे या नहीं आप हो पाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है। कुछ लोगों से पूछते हैं, ये बताइए अंतिम समय पर पूजा करने से, पाठ करने से क्या बच्चे फर्स्ट डिवीजन आ जाएंगे मैट्रिक में? नहीं नहीं आएंगे, नहीं आ पाएंगे। नहीं, आपका क्या कहना भैया, अभी जो अंतिम समय में बच्चे चीट की व्यवस्था कर रहे हैं और मंदिर में पूजा कर रहे हैं, क्या फर्स्ट डिवीजन हो जाएंगे? इतना दिन से नहीं पढ़े तो आज क्या होगा? कुछ नहीं होगा, 5 मिनट से कुछ नहीं होगा। अभी तो सारे बच्चे देख रहा हूँ बैठ के, पेरेंट्स भी जो है चीटिंग की व्यवस्था करा रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कुछ नहीं होने वाला है, 5 मिनट से, लास्ट 5 मिनट से कुछ नहीं होने वाला है।